हेलो। हाँ जी, राम राम जी, जय माता की। अच्छा वो तो नंबर आपका यूट्यूब पर दिखा, इसलिए मैंने फोन किया। मैं भी पंडोखर सरकार गया था तो अच्छा वहाँ की शिकायत के लिए सर फोन नंबर दिखा यूट्यूब पर, तो मैं फोन करके बता देते आपको भी। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, हरियाणा में कहाँ से? अच्छा, गुड़गांव मानेसर से। आपका शुभ नाम? श्री मेरा नाम श्री भगवान है, श्री भगवान। अच्छा, श्री भगवान जी जी जी। बताइए जी बताइए कि आप मतलब कब आप गए? वही वही मैं गया था अभी। मैंने पिछले 10 तारीख को रसीद कटवाया था। यही पिछले यही मतलब पिछले महीना जी अक्टूबर में? 10वें महीने में 10 तारीख को मैंने 21,000 की पर्ची कटवाई। अच्छा, उसके बदले हमें 21,420 रुपये देने पड़े। ठीक है। अच्छा, पर्ची मिले 21,000 की और पैसे देने पड़े 21,420 रुपये। उसके बाद मेरे नंबर आया बाबूजी, 25 को मैं गया था, 26 पहुंचा, 27 को शायद नंबर मेरा आया था। हाँ, हाँ तो वहाँ गए, हमसे पूछे कि आपकी क्या समस्या है। तो समस्या मेरे से पूछे तो मैंने बताया कि भाई मेरी ऐसे ऐसे बात है। तो वही चीज़ उन्होंने पर्ची पर लिखा था, कुछ नया चीज़ हमें नहीं समझ में आया वहाँ पर। अच्छा और वो पर्ची हमने को बोला कि ठीक है, इसके बारे में कुछ और विशेष बताइए। हाँ, तो बोले कि दरबार में बताएंगे। ठीक और है। दरबार में 2 दिन में वेट करता रहा, तो दरबार में उन्होंने पर्ची और बाकी लोगों वही चीज़ बता रहे थे जो उन्होंने अपने गुप्त हॉल में बता रखे थे। हाँ, दरबार तो सिर्फ उनका दिखावा है कि मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और फिर वहाँ लास्ट में हमारी पर्ची उनके कार्यकर्ता के माध्यम से दे दिया गया, हमें हाँ मंच पर बुलाया नहीं गया। हाँ लेकिन हमारी ऐसी कोई समस्या जो होती है जो गोपनीय, उस पर किसी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिली। अच्छा और हमें हमारे पैसे बेकार चले गए। फिर वहां से मैं बागेश्वर धाम भी गया, दर्शन करके आगे घर आ गए। ये अच्छा बात है। हाँ ये तो टोटल गलत हुआ। जी, बिल्कुल गलत हुआ। अब कहने का मतलब कि हमने आपको बता दिया कि मेरा नाम श्री भगवान है, ठीक है, हाँ, और आपने बता दिया कि आपका नाम श्री भगवान, तो आपने नया क्या बताया हमें। तो वही रिपीट कर दिया। रिपीट करने के लिए हाँ थोड़े आए थे मैंने हम मेरे सर। से पूछे कि आपकी समस्या क्या है, तो हमने बताया कि जी मेरे आभूषण चोरी चले गए हैं और मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। जबकि मन में मैंने 4 बातें सोच के गया था कि 4 बातें हमें गुरु जी से पूछना है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी देखो जी, आपकी दोनों बातें इस पर लिखी हुई है, पर्ची देखा है हमको। तो हमने कहा कि तो बाबू जी गहने के बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ से, घर से गया कि बाहर से गया। बोला कि विशेष दरबार में बताएंगे। और दरबार में गए तो एक तो नंबर मेरा नहीं आया चलिए स्टेज पर जाने के लिए। मैं 2 दिन दरबार में रहा उनके पास, हाँ, जो दरबार उनकी लगती है। और उसके बाद नंबर नहीं आया। लास्ट में उन्होंने 10-12 पर्चियाँ थी अपने सहायक कार्यकर्ता के माध्यम से उसे बटवा दिए कि ठीक है जिनका ये ले जाओ। और फिर आगे अच्छा, बताया गया कि आप 3 नारियल बांधो, 3 हवन कराओ, 3 रामायण कराओ। तो हाँ, हमने किसी पर विश्वास इसलिए नहीं किया कि जब हमें किसी तरह की कोई संतोषजनक बात नहीं मिली तो हम आगे की प्रक्रिया कैसे करें। तो मतलब कुल मिला के आपको प्रॉपर वे में जानकारी भी नहीं दिए और आपकी भी जी जानकारी आपको दे दिए, प्लस जी आप कोई समस्या के समाधान के लिए आपको फिर और क्रम बता दिए गए कि आप इतने और खर्च करिए। हाँ, खर्च और बता दिए कि मैंने ये खर्च करो आप ठीक हो। मैंने इसी बताया कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, प्रेत बाधा है, ठीक है। जबकि प्रेत बाधा की बात मैंने नहीं कही थी, हमने ये कहा था कि पत्नी की तबीयत खराब है। लेकिन मेरे साथ जैसे मेरी पत्नी की तबीयत पिछले 9 दिसंबर से खराब है, ठीक है, तो अगर गुरु जी बताते कि हाँ जी आप पिछले 9 दिसंबर से परेशान हो तो थोड़ी एक आत्मा अपना आत्मविश्वास बढ़ता कि गुरु जी भाई त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान ही बताते हैं, ठीक है। और उनके जो मंदिर है ना गांव के बीच में, एक जहाँ उनकी पंडोखर सरकार की मंदिर है, वहाँ उसमें शिव जी वर्ग मंदिर, जहाँ नीम का पेड़ है, जहाँ उनकी किराना स्टोर है, तो वहाँ भी मैं बैठ के पंडोखर चालीसा पढ़ रहा था। तो उनका दान पेटी का बॉक्स जो था वो मेरे ख्याल से 25 से 26 26 तारीख को ही, हाँ 26 तारीख को ही मेरे सर पे गिर गया, मेरा सर भी फट गया, ठीक है। तो ओहो, हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बाबूजी के प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दरबार में हो सकते कोई बड़ी घटना है हमारी जीवन से घट गया हो, हट गया हो। लेकिन हमें इस तरह की कोई विशेष जानकारी नहीं मिली जिस पर एक विश्वास जगे कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता देते हो आप अच्छा। जी। और नहीं फिर कुछ अगर ऐसा कुछ मिले ना जी, क्या बोले। जी, और पैसे तो जब आपका काम नहीं हो तो पैसे भी वापस नहीं होंगे? नहीं पैसे, हाँ पैसे तो दे दिया हमने ना, 21,420 मैंने पेमेंट किया, पेमेंट हमें करना नहीं था भाई जब हमारी पत्नी आपको के। जब सही जानकारी नहीं मिली तो पैसे वापस नहीं किया उन्होंने? अच्छा पैसे कौन वापस करता बाबू जी, पैसे कौन मांगेगा, कौन देगा पैसा। अच्छा वो तो ये कहे कि आपको जितनी बार मिलना है,
आप पुनः फिर पर्ची कटा के मेरे से मिलिए, आप आपका डाटा खत्म हो तो दरबार में बता दे कि 2 मिनट में डाटा आपका खत्म, अगर पुनः फिर मिलना तो फिर अपना पर्ची कटाइए, फिर समय का इंतजार कीजिए। हाँ, अगर कोई संतोषजनक जानकारी मिलती है कि हाँ आप ऐसी समस्या से परेशान हो चाहे इतने दिनों से परेशान हो, तो ऐसा हमसे पूछेगा आपका नाम क्या है, हमने अपना नाम बताया, बोले अपन पिताजी का नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताया, बोले पत्नी का नाम बताओ, पत्नी का नाम बताए, इसी पर्ची को दरबार में लाइव दिखाकर यूट्यूब के माध्यम से शोहरत बटोर रहे हैं कि हम लोगों को सच्ची बात बता रहे हैं। अच्छा, मतलब जो लाइव दिखाते हैं उसमें यही सारी रख देते हैं? जी, जो अपने बंद कमरे में बात बताते हैं, जो पर्ची पे लिख देते हैं, वही लाइव दरबार में दिखाकर लोगों को बताते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हमने इनका नाम भी बता दिया, क्योंकि मेरा नाम तो हमसे पूछे ही और पर्ची पे लिख दिए, उसके बाद मेरे पिताजी का नाम पूछे, उसके बाद मेरी पत्नी का नाम पूछे, तो जब पर्ची पे लिख दिए तो लाइव दरबार में कोई भी पढ़ के बता देगा, हाँ जी आपका नाम है, आप पिताजी का नाम है, आप है कि आपकी पत्नी का नाम है। बिल्कुल, और दो बातें मैंने जो बताई थी वो दो मैंने 1 मिनट के अंदर ही ऐसे दिखा दिए, मैंने 1 मिनट का 10 सेकंड में कुछ हमने लिख रखा, लेकिन हम मन में 4 बातें सोच के गए, हमें सिर्फ 2 बातें हमने बताया और वही बातें लिखे, तीसरी बात जो आपके 2 है उन्हें नहीं बताया, एक चीज जो एक्स्ट्रा बताए थे हमको मैं बता रहा हूँ, वो पॉकेट मेरे 500 के नोट थे, वो 3 नंबर का नोट लास्ट में बताया था कि ये लास्ट का डिजिट आपका 2-2 या 3-3 बताए थे हमको, और उसमें एक अंक टैली नहीं कर रहा था, फिर पॉकेट से निकाले तो मिला, मैंने 4 नोटों का जो नंबर, वो एक मैंने अचंभित बात रही कि मैं भी नोट का लास्ट डिजिट का नंबर बताए, उससे फायदा क्या हुआ? लेकिन मैं जिस समस्या के लिए गया था उस समस्या में हमें 1% का रिस्पांस नहीं मिला, तो जब आपकी समस्या नहीं दूर हो रही तो 4 डिजिट का नंबर बता दिया तो उससे क्या फायदा? जी, तो ये तो मतलब कह दिया जाए जबरदस्ती में चमत्कृत करके ठगने वाली बात हो गई, ये ठगना ही काम है, मान लीजिए कोई भी, देखिए कोई भी, ये तो सत्य बात है कि दरबार में कोई दुखी आदमी जाता है, सुखी तो बाबा जी के दरबार में जाएगा नहीं, कोई अपनी समस्या के 50,000 भी देता है, कोई 1 लाख भी देता है, कोई 10 रुपए भी देता है, लेकिन जो भी जा रहा है दुखी आदमी आ रहा है। बिल्कुल, मैं तो गया था अपने दुख हरण करने के लिए, मैं भाई बहुत दूर से, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, रहता हरियाणा गुड़गांव में रहता हूँ, मैं बिहार से वहाँ गया, 10 तारीख को टिकट कटाया, 10 के बाद फिर पुनः मैं 25 तारीख को हरियाणा से निकला, तो 26 तारीख को वहाँ पहुँचा अपनी समस्या को लेकर, भाई चले बाबा जी के दरबार में कल्याण हो जाएगा, और मैं भी पिछले 9 दिसंबर से परेशान हूँ, तब जाके उस दरबार में पहुँचे कि चलो भाई कोई भी धन लगता है, धन दे के अपना परिवार को तो स्वस्थ किया जाए जी, लेकिन ऐसी कोई दिव्य जो बताते हैं त्रिकाल दर्शी, ऐसा हमें कोई त्रिकाल की गुण नहीं दिखा वहां पर। अच्छा, मेरे समझ में बेशक लोगों का कल्याण होता है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, हमें इसी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिली। तो फिर कैसे फिर उसे आप त्रिकालदर्शी दरबार कहेंगे? मैं हम तो भावकालदर्शी कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी थोड़ी कह रहे हैं हम, तो हमारी जब समस्या निदान नहीं हुआ तो हम त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? ये तो लोगों को ठगने का काम है। अच्छा, ये तो आपके साथ हो ही गया। जी जी, और हमने भी वीडियो जो डाले हैं बहुत से लोगों को ठगा गया, वही डाले हमने। जी जी, मैंने उसी नंबर को देखकर आपको कंफर्म किया कि बाबूजी को बता दे उनका है, तो हम भी अपनी बात समस्या बता दे। जी, तो हम ये चाहेंगे कि आप कहें, अगर देखिए बगैर कहे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। जी जी जी, तो जी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी भी वीडियो बनाने को डालने को तैयार हूँ। जी, कोई दिक्कत नहीं, हम करने के लिए तैयार है, हम धर्म दरबार में अपनी माथा टेक के आए हैं, हम धर्म देखिए उस दरबार की जो देवी देवता उनकी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए बराबर है, ठीक है, लेकिन जो महाराज है पंडोखर सरकार जो पैसे ले रहे हैं, लोग अपनी समस्या के लिए पैसे दे रहे हैं, उनसे कोई संतुष्टि नहीं मिली हमें। मतलब पंडोखर धाम के आड़ में जो ये गलत खेल चल रहा है, जी ये व्यवसाय वाला, ये व्यवसाय चल रहा है, इसको रुकना चाहिए कुल मिला के। जी, ये कम से कम मेरे ख्याल से रोज की आमदनी मिनिमम उनकी 5 से 10 लाख रुपए की आमदनी है उनकी। कुछ लोग तो कह रहे हैं भैया 1 करोड़ से कम नहीं है। मेरी जहाँ तक मेरी अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमने 11 मैंने 21,000 दिया, अगर 5 लोग भी दे दिए मान लेकर चला जाए तो 1 लाख का हो ही गया, और हमारे जैसे 5 लोग नहीं, वो तो कहते हैं वहाँ तो 21,000 वाले, 41,000, 51,000, 11,000 और वहाँ बहुत होते हैं जी, और 1100-1100 वाले को तो नंबर ही नहीं लगता। वो तो मैं गया था तो देखा, कब का नंबर था उसमें, अगस्त नंबर का था, अगस्त का नंबर आया था। हाँ, मेरे सामने 10वें महीने में, अगस्त का 10वें महीने के लास्ट में 26-27 तारीख को 11-10 अगस्त महीने का नंबर आया था, 1 तारीख से लेके 30 अगस्त तक का। हाँ,
और मैं तो 2 दिन के दरबार में भी रहा, मेरी भी वीडियो, मेरा भी फोटो उस वीडियो में है, मैंने अच्छा। अपने बच्चों से दिखवाया भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो भाई उनकी बहुत महिमा सुन के गया था कि मेरे साथ कल्याण हो जाएगा, हम अधर्म अधर्म से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें दिव्य वो ज्योति नहीं दिखा वहाँ। बेशक हाथीवान महाराज, बेशक हाथीवान महाराज भाई दिव्य ज्योति वाले हैं, मैं मानता हूँ। श्याम मोहिनी का जो दरबार है बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन उनके जो अनुयायी है, जैसे पंडोखर सरकार जो है अपने आप को जो भौकाल बनाते हैं, उनसे हमें किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं मिली। तब फिर हमें अगर संतुष्टि नहीं मिली तो हमारे लिए तो बेकार है सब। जी मैं तो हाथीवान महाराज जी बढ़ा भी गया था, वहाँ भी उनके चरण में माथा टेक गया अपना, वहाँ मैंने भोज भी खाया जी। उस दिन तो पता नहीं कौन सा दिन था। जिस तरह आपने दूसरी की वीडियो देख के जी आपने समझा कि ये तो यहाँ बहुत गलत हो रहा, और आपने मुझे फोन लगाया जी। हम चाहते हैं कि हम आपकी वीडियो हम डालने को तैयार है, हम डाल देंगे, आप हमें उसके लिए हाँ कहें। और जी हाँ, जब हमारे पैसे ही चले गए, हमें कोई संतुष्टि में तो हाँ कहने में क्या बुराई है। तो हमें आप अपनी एक मोबाइल से फोटो खींच के डाल दें, इसी नंबर पे व्हाट्सएप में डालें। ठीक है भेज रहा हूँ। और जो आपकी रसीदें हैं जी, रसीद तो घर रसीद मंगा लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ मंगा लीजिएगा। और जो एक आपको वो मिला होगा जिसमें उन्होंने लिखा होगा जी, तीन चीजें आप हमें रसीद, तो जो 21,000 या जितनी कटी है उसकी तो होगी रसीद अपने पास। हाँ वो सब है, 21,420 मैंने पेमेंट किया है और रसीद हमें 21,000 की मिली है। तो फिर आपको क्या गूगल पे किया है? जी हमने हाँ फोन से पे किया था ना। हाँ तो फोन पे की रसीद आप मुझे दे सकते हैं तो भी चल जाएगा जी। और जो आपको एक बड़ी सारी पर्ची मिला होगा जिसके दोनों तरफ लिखा होगा, उन्होंने समस्या वगैरह लिखी होगी जी। जी आप ये हमें तीन चीजें दे दीजिए, हम आपकी वीडियो बना के डालेंगे, और उसका फायदा ये होगा कि कम से कम जो भी देखेगा तो उसको ये तो पता चलेगा। मैंने तो फेसबुक पर अपना इतिहास ही लिख के डाल दिया उनका फोटो के सामने, अपनी पर्ची और जो पेमेंट का पर्ची है और जो मैंने फोन पे किया है पेमेंट, वो सारा स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया फेसबुक पर, और मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। शेयर कर दीजिए। हाँ मैं आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ मुझे इसी नंबर पे शेयर कर दीजिए, और आप प्लीज अपना नाम जरूर डाल दीजिएगा जिससे हमें खोजने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि डाटा पर्याप्त आ रहा है जी। एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, नाम पता सब मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आधार कार्ड का फोटो मैं भेज देता हूँ जी। जी तो आप इतना और अपनी फोटो जरूर डाल दीजिएगा। हाँ मैं फोटो भी डालूंगा, आधार कार्ड में हरियाणा का एड्रेस है जी। जी चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो मैंने एड्रेस चेंज करा लिया, तो अच्छा, मेरे पास फोटो में जो आधार कार्ड में एड्रेस है हरियाणा का एड्रेस है, ठीक है। ठीक है, आपको भेज रहा हूँ। जी जी ठीक है, राम राम, जय माता की।